नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlllntop.com। सेंसेक्स इतने अंक बढ़ा, निफ्टी में भारी गिरावट। आज सेंसेक्स 35,000 ही हो गया, आज 40,000 ही हो गया। कभी रिकॉर्ड स्तर पर उछला तो कभी रिकॉर्ड स्तर पर लुढ़का, ये आए दिन की हेडलाइंस हैं। सेंसेक्स, निफ्टी और शेयर बाजार हमारी रोजाना की डिक्शनरी का हिस्सा है, मगर हम में से ज्यादातर लोग इनके बारे में कुछ नहीं जानते। अखबार का बिजनेस वाला पन्ना पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि पैसा रुपया तो सबके मतलब की बात है। हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि भारी भरकम बातों के कारण लोग इन्हें समझने में कन्नी काटते हों, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं सेंसेक्स और शेयर बाजार का पूरा हिसाब किताब, इससे जुड़े सारे शब्दों का मतलब एकदम आसान भाषा में। देखिए, अपने यहाँ तीन तरीके से धंधा होता है। पहला, जेब में पैसा है, दिमाग में प्लान है। पैसा लगाया और बिजनेस शुरू कर दिया, किसी ने किराने की दुकान खोल ली तो कोई रेस्तरां चलाने लगा। दूसरा, जेब में पैसा नहीं या जितने की जरूरत है उतना नहीं, मगर दिमाग में प्लान है प्रॉपर, तो लोन लेकर पैसे का इंतजाम किया, बैंक से या किसी प्राइवेट लेंडर जैसे महाजन से लोन ले लिया, शुरू हो गया बिजनेस। मगर इसमें नियम शर्तों वाले कई स्टार होते हैं, आखिरकार कोई पैसा दे रहा है आपको, तामझाम तो करेगा ही। एक और भी चीज होती है इसमें, कई बार लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए भी लोन लेते हैं। तीसरा, मान लीजिए एक शहर में आपके 5 रेस्तरां हैं, आपको लग रहा है थोड़ा और बड़ा हुआ जाए, दिल में आया पूरे देश में अपने रेस्तरां की चेन खोलूं, तब आप बिजनेस फैलाने का अपना प्लान और पूंजी लेकर पब्लिक में जाते हैं, लोगों को अपने प्लान के बारे में बताते हैं, पूंजी दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, साथ आइए, पैसा लगाइए, हिस्सेदार बनिए। कंपनी शेयर बाजार का हिसाब किताब रखने वाली संस्था सेबी को बताती है, कागज पत्तर का पूरा काम करती है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में जाती है, खुद को रजिस्टर करती है, वहां पैसा लगाने वाले लोग आते हैं, फिर शुरू होता है बिजनेस। यही से शुरू होता है शेयर बाजार का खेल। कभी सिनेमा में, कभी खबरों में, कभी किसी तस्वीर में, बहुत संभावना है कि किसी ना किसी तरीके से आपने शेयर बाजार के बारे में देखा या सुना ही होगा। दो तस्वीरें जुड़ी हैं इससे, एक तो वो इलेक्ट्रॉनिक पट्टी जहां कभी लाल और कभी हरे रंग के अक्षर चलते रहते हैं, फला कंपनी का शेयर इतना रुपया, फला का उतना रुपया। शेयर बाजार की दूसरी प्रचलित इमेज है कंप्यूटर के सामने बैठे कीबोर्ड पर उंगलियां पीटते लोग। कभी सोचा है ये लोग क्या काम करते हैं, किस बात में इतना बिजी रहते हैं? शेयर से शुरू करते हैं। शेयर मतलब हिस्सा, शेयर बाजार यानी हिस्सेदारी का बाजार, जो लिस्टेड कंपनियां होती है उनकी संपत्ति और मालिकाना हक शेयरों में बटा रहता है। आपके पास शेयर हैं, आपका भी हिस्सा हुआ, ये शेयर बेचने और खरीदने का काम होता है शेयर मार्केट में। इस बाजार का हिस्सेदार बनने के लिए स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE और सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को समझिए शेयर बाजार का रेफरी, ये चौकीदार भी है और निरीक्षक भी। शेयर खरीदने का मतलब क्या है? आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, मतलब आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं, उसके घाटे मुनाफे में हिस्सा है आपका। आपको कितना हिस्सा मिलेगा ये इस बात से तय होता है कि आपने कितनी हिस्सेदारी खरीदी है। शेयर खरीदने बेचने का काम कौन करता है? ज्यादातर ये काम करते हैं दलाल, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रोकर्स। दलाल शब्द बड़े गलत मायनों में प्रचलित है, मगर शेयर बाजार के जिन दलालों की हम बात कर रहे हैं, ये कंपनी और आपके बीच की एक अहम कड़ी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने वाली सड़क है ना, उसका नाम ही है दलाल स्ट्रीट। आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी को धंधे के लिए पैसा चाहिए? इस प्रक्रिया को कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी वित्तीय जरूरतों के लिए पहली बार अपने शेयर जारी करने का प्रस्ताव लाती है तो कहते हैं वो IPO लाई है या लाने वाली है। ये प्राइमरी मार्केट यानी शुरुआती स्टेज होता है। इससे आगे की सीढ़ी है मार्केट में आ जाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदा बेचा जाना, इसको पुकारते हैं सेकेंडरी मार्केट। इस सेकेंडरी मार्केट में दूसरे लेवल की खरीद फरोख्त होती है, जिसका कंपनी से सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं होता है। शेयर बाजार में डीलिंग करने वाले पल पल की खबर रखते हैं, कंपनियों के प्रॉफिट, उनकी साख, उनकी प्लानिंग वगैरह देखकर शेयर खरीदने बेचते रहते हैं। लोगों के अलावा ऐसा करने वाले कई फर्म्स हैं, इनकी कोशिश होती है कि कम दाम पर शेयर खरीदें और ज्यादा दाम पर उसे बेच दें, इसी को मुनाफा कहते हैं। इस काम में जरूरी नहीं कि हमेशा मुनाफा ही हो, ये फर्म्स और लोग पैसा भी गंवाते हैं, सरकार को भी इससे टैक्स मिलता है। टैक्स का भी नियम है, इतने दिन तक शेयर्स होल्ड रख करके रखिएगा और तब बेचिएगा तो टैक्स फ्री हो जाएगा। उससे पहले किया तो अपने मुनाफे में से सरकार का तय हिस्सा टैक्स के तौर पर देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेंसेक्स समझते हैं।
संधि जानते हैं, बचपन में पढ़ते थे, हिम का आलय इज इक्वल टू हिमालय। ऐसे ही सेंसेक्स बना है दो शब्द जोड़कर, सेंसिटिव और इंडेक्स। सेंसिटिव माने संवेदी, संवेदनशील, इंडेक्स माने सूचकांक। जमा किया तो बना सेंसेक्स का हिंदी अनुवाद संवेदी सूचकांक। अच्छा, ये इंडेक्स सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि ये अंदर बाहर के कारणों, प्रभावी तत्वों की वजह से ऊपर और नीचे होता है, माने घटता बढ़ता रहता है। यही आंकड़े स्टॉक मार्केट में आए उतार चढ़ाव को बताते हैं, तेजी और मंदी के बारे में बताते हैं। अपने वतन में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE। स्टॉक एक्सचेंज, इन्हें शेयर की मंडी कह सकते हैं। जैसे दिल्ली में सब्जी की मंडी है आजादपुर और गाजीपुर मंडी। कोई व्यक्ति प्याज उगाता है और उसे मंडी में बेचने के लिए जाता है, वो उसे गाजीपुर में भी बेच सकता है और आजादपुर में भी। इसी तरह शेयर की भी मंडी है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कोई व्यक्ति दोनों जगह शेयर खरीद बेच सकता है। BSE और NSE दोनों सबसे बड़े और महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनके अलावा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और NSE IFSC लिमिटेड। BSE और NSE दुनिया के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हैं। शेयर बाजार का जिक्र होते ही जो बिल्डिंग दिखाई जाती है वो BSE की ही है। एक हालमेल को हम नहीं समझ पाते, वो है सेंसेक्स क्या है और BSE क्या है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स। मतलब यह हुआ कि BSE में उस वक्त कारोबार कर रही 30 कंपनियों की हालत कैसी है, इसको मापने का पैमाना है सेंसेक्स। इसकी पैदाइश का दिन है 1 जनवरी 1986। यह सेंसेक्स बनता है BSE में लिस्टेड 30 मुख्य कंपनियों के परफॉर्मेंस के आधार पर। इन्होंने अच्छा किया तो सेंसेक्स अच्छा रहेगा, इन्होंने बुरा परफॉर्म किया तो वो भी बिगड़ेगा। ये 30 कंपनियां होती हैं सबसे बड़ी खिलाड़ी, इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत और साख वाली कंपनियां। जैसे ऑटो सेक्टर की सबसे बड़ी मारुति कंपनी है और टाटा है। बैंकिंग सेक्टर में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि एक बार इस 30 की लिस्ट में घुस गए तो स्थापित रहेंगे हमेशा के लिए। लिस्ट समय समय पर बदलती रहती है, मगर एक समय में लिस्ट के अंदर कंपनियों की संख्या 30 ही रहेगी। इन 30 कंपनियों को चुनने के लिए एक कमेटी होती है बकायदा, इसको कहते हैं इंडेक्स कमेटी। अब निफ्टी समझ लीजिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का सूचकांक है निफ्टी। ये शुरू हुआ था नवंबर 1994 में। निफ्टी का संधि विच्छेद है नेशनल और 50। नाम में ही हिंट है, यहाँ का सूचकांक तय होता है अर्धशतक, यानी 50 कंपनियों के कामकाज और उनकी परफॉर्मेंस से। ये कंपनियां 22 अलग अलग सेक्टर से होती हैं। ऐसा मत समझ बैठिएगा कि सेंसेक्स और निफ्टी यही दुलौते इंडेक्स हैं, और भी कई इंडेक्स हैं BSE और NSE के। आप जानिए कि सेंसेक्स और निफ्टी तय कैसे होता है। सेंसेक्स और निफ्टी का काम होता है स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर्स का भाव देखना। यहाँ रोज की मजदूरी है। ये दोनों दिन भर के कामकाज पर एक औसत वैल्यू देते हैं, ताकि इससे लिस्टेड कंपनियों के भाव में होने वाली तेजी और मंदी को आसानी से समझा जा सके। क्या कुछ देखकर कंपनियों की वैल्यू तय होती है, इसके कुछ फॉर्मूला है, एक एक करके इनको समझिए। बाजार पूंजीकरण या मार्केट कैप। चार दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी शुरू करने की सोची। उनके पास से कुल मिलाकर 40 लाख रुपए। उन्हें अभी और पैसों की जरूरत थी। चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया। कंपनी की 40% हिस्सेदारी अपने पास रखी, बाकी का 60% हिस्सा बेचने का फैसला किया। 60% हिस्सा खरीदने के लिए उन्होंने लोगों को अपना प्लान दिखाया और कंपनी में पैसा लगाने के लिए IPO निकाल दिया। IPO में शेयर्स की संख्या तय की 1 लाख। मतलब जो पैसा लगाने आएंगे वो इन्हीं 1 लाख शेयरों में से अपने मुताबिक शेयर खरीद सकते हैं। एक शेयर की कीमत रखी 10 रुपये, तो इनकी मुताबिक 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1 लाख शेयरों की कुल पूंजी हुई 10 लाख रुपये। ये वो कीमत है जो इन्होंने तय की है, मगर ये फाइनल नहीं है। बाजार में इनके IPO को कैसा रिस्पॉन्स मिला ये तय करेगा शेयर्स की असली कीमत। अब ये रकम ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। मान लीजिए कि IPO होने के बाद मार्केट में इनके एक शेयर की कीमत लगी 60 रुपये, मतलब इनकी सोची रकम से कहीं ज़्यादा, तो कंपनी की कुल बाजार पूंजी हो गई 60 लाख रुपये। इस प्रक्रिया को कहते हैं मार्केट कैप। दूसरी चीज़ है फ्री फ्लोट फैक्टर। पहले वाले उदाहरण को ही जारी रखते हैं। लोगों ने शेयर खरीदे और कंपनी की 60% हिस्सेदारी उनके बीच बढ़ गई। कंपनी के इसी 60% हिस्से को इंडेक्स यानी सूचकांक को गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको फ्री फ्लोट फैक्टर कहा जाता है। फ्री फ्लोट यानी तैरने के लिए आज़ाद, मतलब ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, कंपनी का इतना हिस्सा इस अड़ाम धड़ाम के लिए उपलब्ध है। तो हमारे उदाहरण वाली कंपनी के हिसाब से उसका फ्री फ्लोट फैक्टर होगा 0.6। इंडेक्स की गिनती में कंपनी के मार्केट कैप का 60% हिस्सा ही असरदार माना जाएगा, क्योंकि उतना ही हिस्सा पब्लिक ऑफरिंग में है,
पूरे इंडेक्स का फ्री फ्लोट फैक्टर निकालकर उसे इंडेक्स डिवाइजर से भाग दिया जाता है। तीसरी चीज है बेस ईयर, यहाँ नॉस्टैल्जिया है, मतलब शुरुआत जहाँ से की थी उसको बुनियादी इकाई मान लिया जाता है। इस हिसाब से सेंसेक्स का बेस ईयर है 1978-79। मान लिया गया है कि 1979 में सेंसेक्स 100 पर था, ऐसे में बेस वैल्यू मान ली गई है 100। आज की तारीख यानी 25 सितंबर 2019 को ये वैल्यू है 39,000 पर। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 40 साल में सेंसेक्स 390 गुना बढ़ गया है। वापस मुद्दे पर आते हैं, मान लीजिए बेस ईयर में मार्केट कैप था 50,000 और इस समय मार्केट कैप है 60 लाख, तो इंडेक्स डिवाइजर होगा 100/50,000 इज इक्वल टू 0.002 और इंडेक्स होगा 60 लाख × 0.002 इज इक्वल टू 12,000। ऐसे ही निफ्टी का बेस ईयर 1995 है और बेस वैल्यू 1,000। बाकी गिनती सेंसेक्स की ही तरह निफ्टी की भी है। अब आपको बताते हैं कि सेंसेक्स में उछाल और गिरावट कैसे तय होती है। सबसे बड़ा फैक्टर है कंपनी की परफॉर्मेंस। अगर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है तो शेयर के दाम बढ़ेंगे, परफॉर्मेंस खराब होती है तो लोग शेयर बेचना शुरू कर देते हैं, इससे शेयर के भाव गिरने लगते हैं। शेयर का चढ़ना या उतरना किसी एक दिन उस कंपनी के इर्द गिर्द के कारोबारी माहौल पर ही निर्भर करता है। मसलन एक दिन एक कंपनी के शेयर बाजार में बहुत पसंद किए जा रहे हैं तो वो चढ़ जाता है, अगले दिन उसी कंपनी के शेयर को पसंद करने वाले कम हुए तो वो गिर जाता है। कंपनी जब बढ़िया बिजनेस कर रही होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके शेयर खरीदना चाहते हैं, यहाँ बिल्कुल सप्लाई और डिमांड वाला गणित चलता है। जब किसी कंपनी के शेयर खरीदने वाले लोग अधिक हों और उसके कम शेयर बिक्री के लिए उपलब्ध हों तो शेयर का भाव बढ़ जाता है। जब शेयर के भाव बढ़ते हैं इसका मतलब सेंसेक्स में उछाल, भाव गिरने का मतलब गिरावट। और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से शेयरों के भाव में उतार चढ़ाव आता है। अन्य चीजों के प्रमुख फैक्टर्स जान लीजिए। पहला, मानसून। अच्छी बारिश के अनुमान से शेयर बाजार में तेजी आती है। वजह यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान है, अच्छी बारिश मतलब ज्यादा उत्पादन और शेयर में तेजी। देश विदेश का घटनाक्रम, देश और विदेश में होने वाली कई घटनाओं से भी शेयर बाजार प्रभावित होता है। जैसे अभी सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको पर हमले के बाद दुनिया भर के मार्केट प्रभावित हुए, तेल कंपनियों के शेयर में खास गिरावट देखी गई। मार्केट को तरक्की के लिए अच्छा माहौल चाहिए, टेंशन बढ़ने, जंग छिड़ने, दो मुल्कों के बीच का ट्रेड वॉर, ऐसी वजहों से मार्केट में उदासी आती है, मतलब गिरावट। एक और फैक्टर है चुनाव या स्थिर सरकार। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई, शेयर बाजार को लगा आई मजबूत सरकार, वो खुश हुआ और सेंसेक्स रिकॉर्ड 40,000 के पार चला गया। अगली चीज है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति यानी ब्याज दर में कमी या वृद्धि, राजकोषीय नीति कर की दरों में कमी या वृद्धि, वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति और भी बहुत सारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीतियां जिन्हें तय करना सरकार के हाथ में होता है। यदि सरकार इनमें कोई भी बदलाव करे तो मार्केट पर असर पड़ता है, अच्छा भी बुरा भी। फैसले को मार्केट किस नजर से देखता है इससे उतार चढ़ाव तय होता है। अगला फैक्टर है सरकार के द्वारा किए गए सुधार प्रयासों से। इस वक्त देश में आर्थिक सुस्ती का दौर है, इससे निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 सितंबर को कॉरपोरेट टैक्स रेट में कटौती की घोषणा की। सेंसेक्स को मजा आया, वो 2200 अंक उछल गया। आंकड़ों के चश्मे से देखें तो एक दिन में आई करीब 6% की उछाल अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। इससे पहले 18 मई 2009 को बाजार ने 2110 पॉइंट जंप मारा था, जब यूपीए की लगातार दूसरी बार सरकार बनी थी। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जैसे कंपनी से जुड़ी खबरें, बजट, बाजार से संबंधित नए कानून, कंपनी की सालाना बैठक, भविष्य की उसकी योजनाएं, शेयर मार्केट के नफा नुकसान में सबका हिस्सा है। एक और सवाल, सेंसेक्स में उछाल और गिरावट से प्रभावित कौन होता है? सबसे पहले तो निवेशक, वो झेलते हैं घाटा या फायदा। ये निवेशक तीन तरह के होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI, ये विदेशी संस्थाएं होती हैं जो माहौल देखकर किसी देश के स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाती हैं। दूसरा है घरेलू निवेशक, इस कैटेगरी में अधिकतर बीमा, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड का कारोबार करने वाली कंपनियां होती हैं। हम अपना पैसा बीमा, बैंक और म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, ये कंपनियां स्टॉक मार्केट में निवेश कर मुनाफा कमाती हैं, फिर अपने फायदे का एक हिस्सा हमको भी दे देती हैं। तीसरी चीज है ई से इकाई, ये होते हैं लोग जो पैसा लगाते हैं हमारी आपकी तरह, बाजार में इनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। FPI और घरेलू निवेशक की मार्केट में हिस्सेदारी 90% है, बाकी के 10% में ई से इकाई वाले इंडिविजुअल निवेशक, इन्हें रिटेल इन्वेस्टर भी कहते हैं। ये तो थी सीधे सीधे उन निवेशकों की बात जिनका पैसा लगा है बाजार में, जिनके ऊपर सीधा असर पड़ता है मार्केट गिरने या बढ़ने का, मगर पीछे वाले रास्ते से इसका असर आम लोगों पर भी पड़ता है।
सेंसेक्स और निफ्टी में अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां होती हैं। इनकी सेहत इकोनॉमी की भी सेहत बताती है। मसलन मारुति के शेयर में गिरावट ऑटो सेक्टर में आई मंदी का एक थर्मामीटर है। भारतीय एयरटेल के शेयर में बढ़त टेलीकॉम सेक्टर की तबीयत दिखाती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बाजार चेहरा है, इसका मूड कैसा है, इसकी हेल्थ कैसी है, ये सब हमें बताते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। बढ़त माने खुशी, गिरावट माने चिंता। हालांकि कई बार सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के बावजूद कई बार शेयर बाजार में अच्छा कारोबार देखने को मिलता है। इसकी वजह यह है कि मिड कैप कंपनियां अच्छा कारोबार करती हैं। ये कंपनियां सेंसेक्स और निफ्टी की गिनती से बाहर होती हैं। बीएसई और एनएसई में सेंसेक्स और निफ्टी के अलावा भी कई सारे इंडेक्स हैं। फिलहाल बीएसई में 5500 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि सेंसेक्स में कुछ 30 कंपनियों की ही गिनती होती है। तो ये थी सेंसेक्स निफ्टी शेयर और शेयर बाजार की पूरी कहानी। इसको लिखा था हमारे साथी गौरव ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड करना ना भूलें। शुक्रिया।